बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिमुलेशन बाय हैंड और स्प्रेडशीट सिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इस लेक्चर के, सबसे पहले हम मैनुअल बाय हैंड सिमुलेशन के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम मेनली बफर नीडल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन को स्प्रेडशीट एनवायरनमेंट में किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम सम बेसिक एग्जांपल्स कवर करेंगे, लाइक हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। देन हम कुछ कैलकुलस से रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे, लाइक हम इंटीग्रेशन यूजिंग द मोंटी कार्लो सिमुलेशन किस तरह से की जाती है। एंड देन लास्टली वी विल आल्सो कवर द टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वीन सिस्टम एंड द अदर वन इज रिलेटेड टू न्यूज डीलर प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज के हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 50-50% चांस है या हेड आएगा या टेल आएगा, जो कि हम ऑलरेडी इस प्रोबेबिलिटी से अंडरस्टूड है कि जब भी आप कॉइन को टॉस करेंगे या फिर आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, कोई थर्ड आउटकम जो है वो आपको ड्यूरिंग द टॉसिंग ऑफ कॉइन जो है वो रिसीव नहीं होगी। सो क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो कॉइन आप टॉस करते हैं वो फेयर है या नहीं, और व्हाट इज द ट्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल फॉर योर कॉइन। तो कितनी परसेंट चांस है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है फॉर गेटिंग द टेल इज ट्रू और नॉट। सो हाउ वुड यू गो अबाउट फाइंडिंग दिस आउट, तो हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट रन करेंगे जिसके थ्रू हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल फॉर योर कॉइन जो है वो हम ऑब्टेन करेंगे। एंड फॉर डैट हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉइन को टॉस करेंगे रिपीटेडली, लाइक मैनी टाइम हम कॉइन को टॉस करेंगे। और देन हम रिकॉर्ड करेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स और लाइक टी एंड द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टॉस परफॉर्म। तो जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं उसको हमने एन के साथ डोनेट किया है, और जो नंबर ऑफ टेल्स हैं उनको हमने टी के साथ डोनेट किया है। देन हम एस्टिमेट करेंगे प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी इज इक्वल टू टी बाय एन। सो टी इज द नंबर ऑफ टेल्स, जितनी दफा आपकी टेल्स रिकॉर्ड होंगी ओवर द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जितनी दफा भी आपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया होगा। देन वी कैन टेक ईच इंडिविजुअली कंप्लीटेड 10 टॉसेस एंड री एस्टिमेट द पी आफ्टर ईच टॉस। तो हम क्या करेंगे, हम जो 10 टाइम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे और देन हम री एस्टिमेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी फॉर ईच टॉस। तो ये हमारे पास एक ऑनलाइन सिमुलेटर है जिसके थ्रू हम कॉइन को टॉस करेंगे, और टॉस करने के बाद जो भी आउटकम आएगी हम उसको इस टेबल के अंदर फिल करेंगे वन बाय वन। तो ये मेरे पास वेबसाइट है random.org, और मैंने यहाँ पे US 1 पेनी का जो कॉइन है वो सिलेक्ट किया है, आप इनमें से अदर कॉइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ्लिपिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, आप 1 time 8 फ्लिप करना चाह रहे हैं, 2, 3, 4, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को 10 time जो है वो टॉस करना है। सो डैट मैं यहाँ पे 10 सिलेक्ट करूँगा और फ्लिप कॉइंस पे क्लिक करूँगा। ओके, तो ये कॉइंस जो हमारे पास ड्यूरिंग द ऑनलाइन सिमुलेटर हमारे पास हेड और टेल्स की अटरेंस हुई है, अब हम इसको वन बाय वन टेबल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और लेट्स स्टार्ट, जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो हमारे पास जो आउटकम आई है दैट इज टेल, देन हेड हेड टेल हेड हेड टेल और हेड 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 टेल head head tail and then sorry this one is head tail head tail
ये मेरे पास आउटकम्स जो है वो सारी आ रही ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब हम इन आउटकम्स के अगेंस्ट नंबर ऑफ टेल्स और एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पर्पस के लिए मैं एक एक्सेल की फाइल ऑन करूँगा जी। तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटकम्स आई हैं उनको मैं एक्सेल की फाइल के अंदर ऐड करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया टेल, देन मेरे पास है आउटकम हेड, हेड टेल, हेड 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 टेल, हेड एंड टेल। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टेल और उनकी एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आ गई है मेरे पास कॉलम में। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक इफ का फार्मूला लगाया है जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर मेरे इस सेल की आउटकम हेड है तो यहाँ पे जीरो आ जाए, अदरवाइज वन शो हो जाए। एंड देन मैंने उसको सिंपली ड्रैग किया और एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ टेल्स को डिवाइड किया है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ। एंड देन मेरे पास यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो आ गई है, दैट इज 0.04। तो वी कैन से कि ऑन एवरेज 50-50% चांस है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है बहुत कम परफॉर्म किए हैं, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 0.1 का वो शो हो रहा है। सो इन दैट केस यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि आपके एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बहुत मैटर कर रही होती है। हाउ? कि हमने यहाँ पे पॉइंट को एस्टिमेट किया है फॉर द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पी को कैलकुलेट करने के लिए 10 टाइम। तो क्या ये टॉसेस इनफ थे? तो हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज 0.4, मतलब 0.1 का डिफरेंस है। वी नो दैट अगर हम पॉइंट को टॉस करते हैं तो हमारे पास 50-50% चांस है या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अब हमें कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने चाहिए टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पी सो दैट अगर हम 100,000 टाइम अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें सो दैट वी कैन से द सिमुलेशन के थ्रू जो हमारी वैल्यू ऑफ पी होगी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी उसके अंदर एरर के चांसेस जो है वो कम होंगे। ठीक है, सो दैट इसी लॉजिक को जो बेसिक यहाँ पे मैंने अभी एक सिंपल सा कॉइन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की है, इसको बेसिकली यूज किया था या डिवेलप किया था बफन नीडल एक्सपेरिमेंट के नेम से, जिसको हम साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉर्ज लेटलर। 1700s के अंदर उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इसने यूजिंग द नीडल पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट हम अभी मैनुअल सिमुलेशन के थ्रू परफॉर्म करेंगे। और वी नो दैट पाई की जो वैल्यू है दैट इज 3.14, बट बफन नीडल ने उस टाइम एट दैट टाइम किस तरह से पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था उसको हम यूजिंग द मैनुअल सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास पाई की वैल्यू क्या आती है। इस पर्पस के लिए जो सिमुलेशन बाय हैंड के जो बफर नीडल की प्रॉब्लम के स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पाई जो कि उसने परफॉर्म की थी। उसने क्या किया था कि उसने एक नीडल ली थी जिसको उसने टॉस किया था टेबल के ऊपर। यहाँ पे आपको टेबल के ऊपर डिफरेंट लाइन्स जो है वो शो की गई हैं और एक चीज इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दो लाइंस के दरमियान इट शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ नीडल। जो भी आपकी नीडल की लेंथ है इसका डिस्टेंस इससे ग्रेटर होना चाहिए। एंड देन ही टॉस, जब उसने नीडल को टॉस किया और अगर नीडल लाइन को टॉस करती है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2L/πD। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इतने परसेंट चांस है कि हमारी जो नीडल है वो इस लाइन को क्रॉस करेगी। तो सिर्फ उन्हीं नीडल्स को हमने काउंट करना है जो इन लाइंस को क्रॉस करेंगी। हम इसको प्रूव भी करेंगे आगे चल के कि हाउ द पी इज इक्वल टू 2L/πD। सो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमने पाई को कैलकुलेट करना है तो पाई इज इक्वल टू 2L/πD एस्टिमेट ऑफ डी, that is the probability and p cap is the proportion of time a line is crossed. तो जितनी दफा needle line को cross करेगी उसको count करेंगे और total जितनी दफा हमने experiment perform किया होगा तो उससे divide करेंगे तो हमारे पास value of p आ जाएगी, जो कि हम यहाँ पे estimate में add करेंगे तो हमारे पास pi की value जो है वो find हो जाएगी।
we know that from the literature, the definition of pi is the amount of time diameter we wrap around the circle to cover the circumference of circle. तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका ये इंडिकेट किया गया है डायामीटर, ये हमारे पास रेडियस है, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14159 एंड सो ऑन. सो दिस वन इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो बिफोर डूइंग द मैनुअल सिमुलेशन और कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पाई यूजिंग द बोहर नीडल एक्सपेरिमेंट, लेट्स प्रूव द हाउ पाई इज इक्वल टू 2L ओवर पी कैप टाइम्स डी. सो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक टू लाइंस शो हो रही हैं जो कि टेबल के एक पोर्शन को, एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है इन दो लाइंस के दरमियान दैट इज डी, दैट वन इज द लेंथ ऑफ द नीडल एल. जब इसी के बिलो आपको एक चार्ट नजर आ रहा है जिसके अंदर हमें पता है जीरो से पाई तक इसकी एक्सेसिस पे लिमिट है और टोटल जो इसकी हाइट है वो डी बाई टू तक है. वी नो डैट द टोटल जो हमारे पास बोर्ड्स होगा हमने उसका सिर्फ हाफ पोर्शन सेलेक्ट किया है और हाफ पोर्शन के लिए डैट इज द डी बाई टू. मीन इस कंप्लीट जो हमारे पास एट बोर्ड्स था डी, इसका हमने हाफ पोर्शन जो है वो कंसीडर किया और इस हाफ पोर्शन को यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से शो किया है. That is representing the L by 2, मतलब जो इस नीडल की लेंथ है हमने इसके हाफ में सेंटर लाइन जो है एक ड्रा की है. सो दिस वन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द L by 2 लेंथ ऑफ द नीडल एंड दिस वन इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन दैट इज D by 2. और डेफिनेटली इसका जो बिलो हाफ है वो इससे डाउनवर्ड है. सो वी आर कंसीडरिंग द ओनली हाफ ऑफ द पोर्शन. So from the length of the needle, we know that this point distance is L by 2, as we know that the total length of needle is L. So this one is making an angle of theta. Definitely, जब आप needles को throw करेंगे table पे, वो कोई ना कोई angle बना रही होगी जब वो उस line को cross करेंगे. This one is making the angle of theta. So from the literature, we know that this side is L by 2 sine theta and this side is L by 2 cos theta. So सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं P इज इक्वल टू 2L ओवर पाई डी, जो कि हमने प्रीवियसली इसको डिफाइन किया था, जिसको हमने बेसिकली प्रूव करना है. और यहाँ से जब हम पाई को इस साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास पाई जो होगी दैट इज 2L ओवर पी डी, जिसको हमने एक्चुअली प्रूव करना है. सो वेयर P इज बेसिकली द नंबर ऑफ हिट्स ओवर नंबर ऑफ ट्राइज, मतलब जितनी दफा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसको आप करेंगे नंबर ऑफ हिट्स ओवर नंबर ऑफ ट्राइज. तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ टोटल लेट्स से 20 टाइम, तो नीचे 20 आ जाएगा और जितनी नीडल इस लाइन को क्रॉस करेंगे उसको हम अपर प्लेस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी. सो वी नो दैट द पी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ओवर द टोटल एरिया. सो जो पी प्रोबेबिलिटी है दैट इज हिटिंग अ लाइन, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व ओवर टोटल एरिया. सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी दैट इज 0 टू पाई, जो हमारे पास लिमिट है, और जो लेंथ है दैट इज एल बाई टू साइन थीटा डी थीटा ओवर टोटल एरिया. टोटल एरिया जो है वो हमारे पास डी बाई टू पाई है. इस पूरे इस बॉक्स का जो एरिया होगा डी बाई टू टाइम्स पाई, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा. इट हो गया. देन अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एल बाई टू माइनस कोस थीटा, 0 टू पाई इसकी लिमिट है, डेट ओवर डी टू पाई. तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन की है और इंटीग्रेशन के थ्रू हमारे पास ये रेंज आ जाएगी. अब हमने इन वैल्यूज को इसके अंदर सब्सिट्यूट करना है, तो जब हम पाई की वैल्यू तो इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज माइनस एल बाई टू, ये माइनस
बाहर आ जाएगा, एल बाई टू एज इट इज रहेगा, और देन कोस पाई की जो वैल्यू है इज माइनस वन माइनस फार्मूले का, और देन जब जीरो इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो आंसर वन आ जाएगा, कोस जीरो इज इक्वल टू वन. सो दिस वन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कोस पाई माइनस कोस जीरो. तो कोस जीरो इज इक्वल टू वन एंड कोस पाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर डी बाई टू पाई. देन जब आप इसको सब्सिट्यूट करेंगे, रिजोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा P का, डेट इज इक्वल टू 2L ओवर पाई डी. सो हमने पाई कैलकुलेट करना है तो पाई को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2L P ओवर डी. सो P इज द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. आप इसके अंदर सिंपली सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, पाई इज इक्वल टू 2L ओवर डी एंड पी इज द नंबर ऑफ हिट्स ओवर नंबर ऑफ ट्राइज, जितनी दफा आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है. दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी और प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी यू कैन सी. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, जो बेसिकली बफर नीडल ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, तो उसको उसी के नेम के साथ बफर नीडल एक्सपेरिमेंट कहा गया. सो दीज आर द स्टेप्स जो हमने अभी परफॉर्म करने हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन किए. डेट इज द गेट द नीडल, हम नीडल लेंगे और पॉइंट्स जो हैं, जो लाइंस हैं वो हम टेबल के ऊपर ड्रा करेंगे, देन डिसाइड करेंगे हाउ मेनी टाइम्स लाइक यू आर विलिंग टू टॉस द नीडल, कितनी दफ़ा आपने नीडल्स को परफॉर्म करना है. तो हम क्या करेंगे, नीडल्स लेंगे, लेट से मुझे 20 नीडल्स रिक्वायर्ड है, मैं 20 नीडल्स लूँगा, टेबल के ऊपर थ्रो करूँगा और देन मैं काउंट करूँगा जिन नीडल्स ने मेरी लाइंस को क्रॉस किया, और टोटल नीडल्स 20 है तो हमारे पास पाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी. सो डेफिनेटली काउंटर सेट करेंगे वन बाय वन, 20 नीडल्स हैं तो 20 टाइम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे, और जो नीडल्स हमने टॉस करनी है वो रैंडमली हम टेबल के ऊपर ड्रा करेंगे, मतलब कि उनको थ्रो करेंगे. देन इफ द नीडल इज क्रॉस द लाइन तो हम उसे काउंट करेंगे, अदरवाइज हम उसे काउंट नहीं करेंगे. इसके थ्रू हमारे पास प्रोपोर्शन जो P हैट है इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको सब्सिट्यूट करेंगे इस सिचुएशन में और हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी. तो सपोज हम जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, हमने टेबल के ऊपर लाइंस ड्रा की, और हमने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारे पास जो टोटल हिट्स थी, लेट्स से हमने 6 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और 10 हमारे पास टोटल ट्राइज थी, मतलब 10 नीडल्स को हमने थ्रो किया टेबल पे, जिनमें से 6 नीडल्स ने हिट किया लाइंस को. लेंथ ऑफ नीडल हमारे पास 2 है और डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन इज 3, मतलब ये लेट से मेरे पास अगर टेबल है और यहाँ पे ये मैंने लाइंस ड्रा की हुई है, तो जो डिस्टेंस है ये मेरे पास 2 लाइंस के दरमियान वो 3 है, और जो नीडल इस लाइन को क्रॉस करेगी उसका लेंथ जो है वो हमारे पास 2 है. तो जब इन वैल्यूज को आप सब्सिट्यूट करेंगे प्रीवियस इक्वेशन में तो मेरे पास पाई की वैल्यू आएगी 2.22, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एरर के चांसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. लेट्स से सपोज हम एक दफा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक 20 टाइम हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये वैल्यूज हमारी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेंगी, और लेट्स से मैंने 20 टाइम अगेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिनमें से 9 नीडल्स ने हिट किया मेरी टेबल्स के ऊपर लाइंस को, तो मेरे पास पाई की वैल्यू आई 2.9. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2.2 टू 2.9. इट मींस कि जैसे जैसे हमारी नीडल्स, मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसी तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं पाई के करीब करीब जा रही हैं. लेट्स से नेक्स्ट टाइम हम 30 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई और टोटल 14 ने जो है सपोज हिट किया, हमारे पास आंसर आया 2.85. देन अगेन एक दफा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं फॉर 50 टाइम्स,
और हमारी टोटल 21 नीडल्स ने हिट किया और हमारे पास वैल्यू आ गई 3.17, दैट इज मच क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ पाई. सो वी कंक्लूड दैट कि जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी पाई की वैल्यू के आप करीब जा रहे हैं. बट डज इट मीन एक्चुअली द मीनिंग इज के बफर नीडल एक्सपेरिमेंट या जो ये सिमुलेशन परफॉर्म की गई है ये प्योरली एक अप्रोक्सीमेशन के करीब आपको लिया जा रहा है सो डैट के जो एरर के चांसेस हैं वो कम से कम हो. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिमुलेशन के थ्रू हम एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते बट द अप्रोक्सीमेशन क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन तक हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. सो इट्स बेटर कि हम कोई क्लोजर अप्रोक्सीमेशन के रिजल्ट अचीव कर लें रादर देन कि हम अपनी प्रॉब्लम को इन अ रॉन्ग डायरेक्शन सोल्व करके रॉन्ग सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें. दैट वॉज द एक्सपेरिमेंट जो बफर नीडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म किया था. बट एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना काफ़ी डिफिकल्ट है. हाउ लाइक जब आप नीडल्स लेंगे उनको थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली नीडल्स ह्यूमन बींग को लग भी सकती हैं एंड सो ऑन. आप कितनी ज़्यादा नीडल्स लेंगे और फिर देन उसकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी. सो वी कैन डू द बफर नीडल एक्सपेरिमेंट वर्चुअली. सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे और इस वेबसाइट के थ्रू बफर नीडल को कैलकुलेट करेंगे, बफर नीडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. ये मेरे पास वेबसाइट है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है. लेट्स सी मैंने एक नीडल ड्रॉ की और मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो आती जाएंगी और ये मेरी नीडल है, एक ही ड्रॉ हुई और उसने इस लाइन को क्रॉस किया. सो लेट्स ड्रॉप 1000. अब मैंने 1000 नीडल्स को जब ड्रॉप किया तो मेरे पास पाई की वैल्यू जो है डेट इज 3.06 आ रही. अगेन ड्रॉप 1000, देन मेरे पास पाई की वैल्यू 3.09, देन अगेन ड्रॉप इट. और यहाँ पे आप देखें अगेन जो 3000 नीडल्स को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है लाइक दिस, हमारे पास पाई की वैल्यू आ रही है 3.1418. इट एक्चुअली रिप्रेजेंट के जितनी ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंटेशन को परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा आपके रिजल्ट अप्रोक्सीमेशन जो है उन रिजल्ट की वो आपके रिजल्ट के करीब करीब होंगे. वी एक्चुअली ऑल नो डैट द वैल्यू ऑफ पाई बट वी डिड दिस फॉर अ रीजन सो डैट द लॉजिक बिहाइंड दैट इट्स प्योरली डिपेंड्स अपॉन दिस एक्सपेरिमेंट डैट वॉज एक्चुअली परफॉर्म इन 1700s. तो 1700s के अंदर जब बफर नीडल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसके थ्रू उसने पाई की वैल्यू को जो कैलकुलेट किया था. हमने सेम उसी एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली परफॉर्म करके देखा था कि आप पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 आती है या नहीं आती. सो डेफिनेटली इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि हमें अब कितने डोसेज करने हैं. मैंने जैसे 3000 किए, वाई नॉट 5000, वाई नॉट 10000, वाई नॉट 1 लाख. सो दिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये निकालना चाह रहे हैं कि लाइक एक्सपेरिमेंट्स जो है बफर नीडल ने बेसिकली जो प्रॉब्लम ली थी डेफिनेटली इट्स टू मच सिली नाउ बट द इम्पोर्टेंट ऑफ द सिमुलेशन फीचर इज एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट समथिंग हार्ड टू कंप्यूट एग्जैक्टली. कोई ऐसी वैल्यू जिसको आप एग्जैक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी हद तक एस्टिमेट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली बफर ने 1733 सेंचुरी में की थी. द सेकेंड थिंग इज द रैंडमनेस. So estimate will not be exact. Estimate the error in estimate. हमने क्या करना है कि हम जो experiment perform कर रहे हैं उसमें randomness होनी चाहिए और जो experiment आपने perform किया है it can't be exact. But we have to estimate the error in the estimate. जो हम estimation की तरफ जा रहे हैं उसमें से जो error है हमने उसको estimate करना है. Then second one is the replication. Replication क्या है, द मोर द बेटर टू रिड्यूस द एरर. जितनी दफ़ा आप ज़्यादा रेप्लीकेट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट को उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपकी जो रेप्लीकेशन के थ्रू मतलब जो एरर है वो कम होते जाएंगे. एंड द थर्ड वन इज द सिक्वेंशियल सैम्पलिंग. सिक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या होती है जी, इट इज यूज टू कंट्रोल द कीप टॉसिंग अंटिल द प्रोबेबल एरर इन एस्टिमेट इज स्मॉल इनफ. मतलब
आप अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूसली परफॉर्म करते जाएंगे जब तक कि आपका एरर जो है एस्टिमेट का वो स्मॉल इनफ ना हो जाए. सो दिस वन एक्चुअली परफॉर्म द बफन नीडल जिसको हम कहते हैं वेरियंस रिडक्शन. वेरियंस रिडक्शन इज यूज टू इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट दैट कैन बी ऑब्टेन फॉर अ गिवन सिमुलेशन और द कंप्यूटेशनल एफर्ट. जो कि बफर नीडल ने बेसिकली क्रॉस कर दी थी, तो उसने इतनी ज्यादा नीडल्स को जब एक्सपेरिमेंट को उस टाइम पे परफॉर्म किया तो उसके थ्रू उसने पाई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी. सो प्योर डेट जो लॉजिक है जो हमने अभी कवर किया है अपने इस पार्ट वन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कि मैनुअल सिमुलेशन को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो लेट मी रिपीट अगेन. हमने स्टार्ट किया था सिंपल कॉइन टॉसिंग की एग्जाम्पल के साथ, और कॉइन टॉस की एग्जाम्पल के अंदर हमने सिंपल कॉइन को टॉस किया और देखा कि हमारे पास कितने परसेंट चांस है और कितने परसेंट हम फेयर इनफ है कि जो टॉस होगा उसके अंदर हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, मतलब 50-50% है. देन हमने उसको थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बफर नीडल एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उसको परफॉर्म किया, और उसकी वैल्यू जो एस्टिमेट है पाई की वो हमने कैलकुलेट की यूजिंग द नीडल्स एक्सपेरिमेंट, यू कैन से बफर नीडल एक्सपेरिमेंट. और देन हमारे पास उसकी पाई की वैल्यू जो है वो हमने निकाली और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर हमने डिस्कशन की.